दोस्तों आज मैं तुहाडे नाल एक छोटा जिहा ना किस्सा शेयर करना चाहुंदा वां एहसान फरामोशी बारे अते बदलाखोरी दी राजनीति बारे। तुहानू सब नू पता वा कि जदों 2017 च मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा तां उस वक्त खड्डां दा बड़ा वड्डा मसला उठिया सीगा, माइनिंग स्कैंडल उठिया सी, और मैं एज लीडर ऑफ ओपोजिशन मेरा फर्ज सीगा, मैं उस वेले दी सरकार नू बहुत जोर नाल टारगेट कीता, जिहदे नतीजे वजों एक मिनिस्टर राणा गुरजीत नू कैबिनेट चों कढ़िया गया। और उस गल का मेरे ना हिसाब सैटल करन वास्ते मेरे खिलाफ मेरा नाम जिहड़ा सीगा एक फाजिलका दी अदालत विच पुराना 2015 दा NDPS केस चल रहा सीगा ड्रग्स दा, जिहदी FIR विच मेरा नाम नहीं सीगा, जिहदी चलान विच मेरा नाम नहीं सीगा, जिहदे कोई मेरे खिलाफ रिकवरी नहीं सीगी। सारी ट्रायल जदों होगी बिल्कुल कंप्लीशन दे लागे आ गई तां उस वक्त दी सरकार ने मैनिपुलेट करके दो पुलिस वालियां नूं वापस अदालत विच बुलाया, उन्हों को बयान दोबारा ले रिकॉल करके कि सुखपाल सिंह खेरे का इस मसले में रोल है। अदालत ने मैनू तलब कर लिया सैक्शन 319 दूजे दोषियों सजा देने तो बाद उन्होंने सजा करके केस बंद करता, तो मैनू 319 तलब कर लिया। मैं हाईकोर्ट गया, उस वक्त मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, हाईकोर्ट ने मेरी गल नहीं मनी, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्टे कर दिता, तो मेरा बचाव हो गया। ये सारी लड़ाई मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी दे वास्ते कीती, अपनी मतलब जान नू खतरे च पा के NDPS वर्गे संगीन केस विच, जिस केस नू मुड़ के आधार बना के ED ने मेरे ते छापा मारिया, ED ने मेरे उत्ते मुकदमा दर्ज किया, तो मैनू लगभग 80 दिन पटियाले जेल में रहना पिया। मसला उही सीगा जिहड़ा मैं खड्डां दा मसला उठाया, सरकार दा विरोध किया। एहसान फरामोशी मैं इस करके कहा कि हुण पिछले हफ्ते मेरा उही 2017 वाला जिहड़ा केस सीगा वह एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनना सी, पूरा मसला 3 दिन चलिया, तो भगवंत सिंह मान ने स्पैशल अपने एडवोकेट जनरल नूं उत्थे भेजा, विनोद कई, 3 दिन उन्हें पूरी वाह लाई उत्थे किसी तरीके नाल, उहदा फैसला हले आवेगा, राखवां रख्या होया, उहदी पूरी वाह लाई कि किसी तरीके नाल सुखपाल सिंह खेरा नूं मुड़ उसे केस विच फसाया जावे। मतलब जिहड़ी लड़ाई मैं आम आदमी पार्टी वास्ते लड़ी, मेरा तो उहदे च जाती कुछ नहीं सीगा, अगर मैं ना लड़ता जिदा बाकी चुप करके बैठे रहिंदे आ तो कुछ भी नहीं सी होना, वो खड्डा वाले जिहड़े मास्टर बंदे सीगे वो सारे बरी हो जाने सी, जां उन्हां नूं राह मिल जाना सीगा, उन्होंने छुट जाना सी उस स्कैंडल विच्चों। आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़दियां जो मेरे खिलाफ किया गया उस वक्त भगवंत मान नूं तां चाहीदा सीगा कि अपने एडवोकेट जनरल नूं कहिंदा कि सारा झूठा केस है, क्योंकि उन्हूं तां पता मेरे नाल ही सीगा उस वेले, ते इहनूं तां मेरी मदद करनी चाहीदी सीगी। तो बदलाखोरी मैं तां कह रहा वां कि मैनूं पता लग्गिया वा, मैनूं दस्सिया, दस दिंदे ने सारे अफसर, उन्हें एडवोकेट जनरल नूं बुला के कहा चीफ मिनिस्टर ने कि सुखपाल सिंह खेरा का केस निकल रहा सुप्रीम कोर्ट विच, इहनूं आपां टंगणा वा, इह शब्द वरत्या टंगणा वा, ते मेरे खिलाफ पूरा इन्हां ने टिल लाया विच्चे ही, दूसरे वकीलां ने जिहड़े इन्हां ने खड़े कीते खब्बे सज्जे, होर भी जिहड़े साडे विरोधी उन्होंने भी अपने वकील भेजा सी उत्थे अदालत दे विच, पर मैनूं उस परमात्मा वाहिगुरु दे उत्ते पूर्ण भरोसा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं किया, मेरा ड्रग्स के मसलों नाल दूर दूर का कोई संबंध नहीं गा। सिर्फ एक आदमी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीगा गुरदेव सिंह, मार्केट कमेटी का चेयरमैन, उन्हें सिर्फ कॉलां मैनू करता सीगा, कॉलिंग के आधार के उत्ते मैनू लिया के चक के उत्ते सारा फसाता, सिर्फ टैलीफोन रिकॉर्ड के उत्ते, ना मैं फिर रीइटरेट कर दिना, ना FIR, ना चलान, ना रिकवरी, ना उस केस की ट्रायल में मेरा कोई रोल सीगा, वो सारे 20-20 साल की कैद करके 10-10 साल कैद करके वो सजा कट रहे हैं। लेकिन साढ़े कोलीग्स जिहड़े रह चुके हैं इन्हां दा लिहाज करना चाहिए सीगा कि उस वेले सारी लड़ाई खेरे ने आम आदमी पार्टी वास्ते लड़ी आ, तो साडा इहदा विरोध करना नहीं बनता। तो बदलाखोरी इस करके कि इहदे मन विच इन्नी नफरत है कि चाहुंदा कि किसी तरीके नाल खेरे नूं मैं 10-15-20 साल अंदर करवा दां। मैनूं अपनी न्यायपालिका ते प्रणाली दे उत्ते पूर्ण भरोसा, क्योंकि मैं बेगुनाह हां, और अल्टीमेटली जिहड़ा मेरा केस चलिया 3 दिन उहदा ऑर्डर रिजर्व हो गया, और वाहिगुरू की कृपा दे नाल उह ऑर्डर 100% सच दे ते इंसाफ दे हक विच आ, क्योंकि न्यायपालिका बिठाई इंसाफ करन दे वास्ते आ, उह बेइंसाफी करन वास्ते नहीं बिठाई, लेकिन इन्हां ने कसर कोई नहीं छड्डी। इह किस्सा एहसान फरामोशी, किसे दा एहसान भुलना ते बदलाखोरी ते उतर के उहनूं टंगणा, इह तुहाडे नाल अज मैं सांझा करना सीगा। आउण वाले समें च समां दस्सेगा कि जिहड़ा है उस मुकदमे दा की बणदा, और मैं तुहाडे नाल इह गल्लां सारियां दिल दी गहराइयां तों सांझियां कीतियां, ते जिहड़े सिर्फ नफरत की भावना बौकर वाले काम करते हैं, तुसी मेरी इस वीडियो तो कृपा करके दूर रहना। तुहाडा सारा का जुड़न वास्ते धन्यवाद।